तो सामने तीन लोग खड़े हैं। चलो भैया, ओ बल्ला बल्ला। और हम बिन बुलाए बाराती बनेंगे ऐसे मैं अंकिता को बोलूंगा। और क्या करने वाले हैं, किसकी शादी की बैंड बजाने वाले हम, ये अच्छा वो सारा आपको आगे देखने मिलेगा। क्या तगड़ा होता है वो देखते रहना। अरे ओए, ये कौन सा टाइम है सोने का अंकिता? क्यों टाइम होता सोने में कोई? खड़ी हो, तू कोई भी टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। खड़ी हो फटाफट एकदम फंक्शन की तरह रेडी हो जा, ट्रेडिशनल वेयर कर लेना। अपने को बाहर जाने का है, कहाँ जाने है? एक जगह खड़ी हो, ट्रेडिशनल वेयर कर लेना जल्दी से। मैंने लाई ऊपर ट्रेडिशनल। अरे अंकिता ट्रेडिशनल चाहिए होगा, क्या बोल रही है तू? अरे मैं दो दिन गए, तीन दिन में लाई और तू बोला ट्रेडिशनल पहन। कुछ भी अच्छा सा पहन ले जो फंक्शन में पहन पाते हैं, जल्दी। ओके गाइस, मैं भी फटाफट जाके तैयार हो जाता हूँ वरना अंकिता को शायद से डाउट जाएगा, तो अपने भी थोड़ा सा अच्छे तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी लड़कों को कहाँ दो से तीन मिनट के ऊपर लगता है तैयार होने में, सही बात है। तो तैयार हो जाता हूँ, अंकिता के तैयार होने का वेट करते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। अरे हाँ, बताना भूल गया ना, सब्सक्राइब चैनल विद द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड और ट्विटर को फॉलो कर लेना अंकिता के चैनल, और हिरन मिन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली मिनी ब्लॉग्स। मैं तैयार हो जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं हो चुका हूँ तैयार। ब्लू जींस और ये शर्ट वैसे मैंने पहली बार पहना है, तो प्लीज कमेंट कर देना कि आपको शर्ट कैसा लगा। और ज्यादा मैं अच्छा लगता हूँ शर्ट में या टी शर्ट में। अभी चाहते हैं अंकिता के पास, होपफुली हो तैयार हो गई हो, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ओए ये लो, अभी भी तैयार हो रही है। हाउ एम आई लुकिंग, ये तो बता। शर्ट पहनी बहुत वक्त के बाद। हाँ तो ऑब्वियसली जगह पे ऐसी जा रही है इसलिए। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अंकिता को कोई आइडिया नहीं अभी तक। माता से मैं प्रॉपर लग रही हूँ जहाँ जा रहे हूँ उसके लिए। एकदम डिफरेंट टाइप का ब्लॉग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क है। ये क्या क्या अच्छा, थोड़ा सा रिस्क है बट रिस्क है तभी तो इश्क है। ये सब दोगलापन है, जल्दी जाना, लेट हो जाएगा ना, सब बंद हो जाएगा, सब लोग निकल लेंगे वरना। आना मैं वो बाद में रास्ता बताता हूँ। लेट तो बहुत हो चुका है, अंकिता गाड़ी घर लॉक कर रही है, बस रिएक्शन का बहुत कंफ्यूजन है कि क्या आएगी। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाला प्रैंक वीडियो जो भी करने है करने के लिए। चीज़ा लग रहा है ना। हेलो हेलो, ऐसा अजीब सा लग रहा है ना कि क्यों नीचे स्पोर्ट शूज पहन कुर्ते तो मिल गए पर चप्पल ले गए। अभी रास्ते में थोड़ा आपको रास्ता दिखाता रहता हूँ, बाकी वहाँ पहुँच के आगे का मैं रिवील करता हूँ कि हम क्या आज क्या करने वाले हैं। बता रहा हूँ, अभी मैंने लोगों को भी नहीं बताया है। हाँ गुड़गुड़ करने थे, बहुत और मजा आएगी तेरे को। इट विल बी एक्साइटिंग। लेट बहुत करते हैं, अपने तैयार होने में पर यार। मैं 20 मिनट ली हूँ गिन करके। हाँ कुछ भी नहीं, सच कह रही हूँ मैं। ये पता नहीं कब खुलेगा ना। खुल जाएगा ये। रुक जाओ रे भाई, रुक जाओ रे। जहाँ कुछ भी जा रहे है वहाँ मेरे को मजा आएगी। Obviously. Specially traditional, वो क्या मंदिर ले जा रहा है तो मुझे। अभी दो चार मिनट ना शांति रख, मेरे को ना फोकस करने दे कहाँ जाना है। क्या क्या मेरे दिमाग में क्या 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 आ रहा है, क्या आ रहा है? पूजा। अरे हद है, बोल रहा हूँ मंदिर के रिलेटेड कुछ नहीं है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। जब पहुँचेंगे देख लेना, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास एक्साइटमेंट है, मेरे में वो थ्रिल है, ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं मालूम। हाँ क्या बोला तूने? तुझे पता नहीं अपने कहाँ जा रहे है? पता है कहाँ? नहीं नहीं, क्यों जा रहे हैं वो पता है, कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता। साले को बम से उड़ा दूंगा यार। हिरन को है ना मुझे और सरप्राइज भी है, कहाँ जा रहे हैं वो भी तेरे को नहीं पता है। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जब मेरे को ही नहीं आ रहा तेरे को कैसे आएगा? और मैं गुस्से में इतनी फटाफट तैयार हुई, तू मेरी तारीफ नहीं की। मैंने तू इतना लेट करेगी तो फिर तारीफ भूल जानेगी। लड़की की तारीफ और गाड़ी की ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, नजर हटी दुर्घटना घटी ऐसा हो जाता है। अच्छा तो बहुत अच्छी लग रही है, अपना मैचिंग हो रहा है बाय चांस। देखा तन्नू पहली पहली बार होने लगा मेरे बेकरार में। ये देखो कितनी बड़ी होशियारी और
बॉडी लेकर के रॉन्ग साइड पे चल रहा है और सोटा तो देखो भाई साहब का, तेरे बिन दिल नहीं है लगता मैं तो मर गई चले। अबे तू फोकस नहीं करने जरी, बंद करना तेरा बेसुरा गाना, थोड़ी देर शांति रह, ऐसा बोलो सर। चलो मिल गई जगह क्या? अभी सुन मैं समझाऊंगा वैसे करना तेरे को, ठीक है? एवरी सिटी नहीं नहीं सामने जाने आ, दिख रहा है ये तो कोई शादी पार्टी प्लॉट है। हाँ शादी हो रही है अपने से, तो अपने क्यों जा रहे हो? मैं तो समझाता हूँ सुन पूरा। ओके आई नो ये वाला चल गया, तो क्या करने वाला है? ये सब्सक्राइबर की शादी और अपने सब्सक्राइबर को सरप्राइज करने जा रहे हैं। शांति रह है ना? नहीं मैं वीडियो में समझाता हूँ तुम चल। ओके गाइस, तो रास्ता पहले मुझे नहीं पता था, डेस्टिनेशन नहीं पता थी, अंकिता को मैंने बोला बहुत कंफ्यूज हो गई, लेकिन अब मैं आपको पूरी चीज रिवील करता हूं। गाइस मुझे पता चल गई आप गलत है, सामने हो रही है एक शादी, हम लोग आए हैं फुल ऑन तैयार होके, और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये एक व्लॉग कर रहे हैं, हम एक कंटेंट बना रहे हैं जस्ट टू सी के जैसे आप लोगों ने ये चीज की है कि नहीं जो हम आज करने वाले हैं, थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा हंसी मजाक, और हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है वो भी आपको बताएंगे। एक अननोन शादी है, ठीक है, जिसमें से हम किसी को नहीं जानते, ये रैंडमली हम लोग एक रास्ते में निकल गए, हम एक पहुंचे सामने, एग्जैक्टली हमारी एक शादी हो रही है और वहां पे हम जाएंगे एज अ गेस्ट, और वहाँ पे जाएंगे हम खाना, गेस्ट मतलब कैसे गेस्ट, पूरा बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे तो बोलने दे, ऐसे गेस्ट जाएंगे अंकिता। अच्छा करना अंकिता ब्लॉग कर रहा हूँ। हाँ तो हम लोग अंदर जाएंगे एज अ गेस्ट, जहाँ पे हमको कोई भी नहीं जानता है, एंड वहाँ पे हम खाना खाएंगे। इनफैक्ट सबसे जो एक रिस्की पॉइंट है जो मैं बताता हूँ वो है, हम लोग स्टेज पे जाएंगे एनवेलप लेके, एनवेलप मैंने रेडी रखा हुआ है अंदर, एंड देखो हम होटल में जाते हैं तो भी खाने का ज्यादा था, कितना 1100-1500 के आसपास होता है कि नहीं होता, कि नहीं होता है, तो हम लोग उतना ही अमाउंट, हम लोग 2000 या 1500 का अमाउंट हम लोग एनवेलप में रखेंगे और दूल्हा दुल्हन के हाथ में देके फोटो खिंचवा के आएंगे, जिसको हम जानते भी नहीं है। तो हम ये करने वाले हैं, हम सामने जाएंगे वैले पार्किंग में देंगे, जैसे वीआईपी हो अंदर एंटर होते नहीं, वो सारा छुपके छुपके से हम रिकॉर्ड करते हैं, अंकिता को समझा देता हूं कैसे बिहेव करना, कैसे नहीं बनना, वो भांडा फोड़ देगी और किसी से बात नहीं करना खास करके। तो या चलते हैं, कुछ भी करे व्लॉग नहीं कर सकते ये चीजों का, अपने से इन्फ्लुएंस हो तो हजारों लोग हजारों चीज करते हैं, अपने ये चीज की वजह से कितने लोग किसी अननोन की शादी में गई। हाँ गई हूँ मैं, बस तो फिर, पर वो अलग बात है यार, अपना देखकर बस एक ही फिंगर क्रॉस करके अंदर में सब्सक्राइबर्स ना मिले यार, अपना देखकर कोई और ट्राई करे यार, गलत ट्रिक पे जाएगा, ये सही नहीं है तरीका, ट्राई करेगा तो किसी की शादी में तो खाना खाने जाएगा, क्या सही नहीं है, कोई बिन बुलाए शादी में नहीं जाया जाता उन लोगों को, सुना नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मैं वो अब्दुल्ला नहीं, मैं नहीं उतरने वाली, मैं नहीं उतरने वाली हूँ, अंकिता मैं एकदम गेट के बाहर खड़ी कर रख दूंगा, मैं नहीं उतरने वाली, मैं बोल दूंगी भांडा, ये हमें तेरी बकवास करना बंद कर दे, तेरी हर एक घटिया चीजों के अंदर मैं तेरे को साथ दूं, ऐसा जरूरी नहीं है लोगों के अंदर, क्या जाएगा अपने इस तरह से, लग रही है यार छोटी शादी, अरे एक सेकंड, यही शादी में जाना दूसरी शादी में जाना, यहाँ पे भीड़ कम लग रही है, मैं नहीं उतरने वाली और तू, अरे अंकिता प्लीज यार कभी तो साथ दे मेरे कंटेंट में यार, इसमें तो किसी को रिस्क भी नहीं है, तू ऐसे भैया की चीज तेरे दिमाग में से तो कहाँ से लाता है बता मुझे, एक काम कर ब्लॉक करते हैं, अगर सुनेगी 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 एडिट करेंगे, अगर तेरे को ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है तो अपलोड नहीं करेंगे, अगर दूल्हा दुल्हन किया किसी का भी अपने वीडियो लेंगे सबका ब्लर कर देंगे, मुंह ब्लर की बात ही अपना देख करके, नाम किसी का नहीं बताएंगे, शक्ल किसी की नहीं दिखाएंगे, हीरेन अपना देख करके हजारों लोग कर सकते हैं, टीनेजर ब्लॉग बिना चले, ब्लॉग के बिना चले, बोल क्यों करना है, ब्लॉग के बिना चलते ना मजा आएगी, कर लेगा छुप छुप के ब्लॉग, मुझे पता है, अरे मैं अपलोड नहीं करूंगा, नहीं यार ये चीज सही, अच्छा छुप छुप के से ब्लॉग शूट नहीं करूंगा, मोबाइल वोबाइल सब तेरे को देखूंगा तो चलेगी ना, मेरे को सिर्फ एक ही चीज स्पेशली करनी है, मेरे को बिना किसी को जाने पहचाने मैं चाहता हूँ कि अपने किसी के फोटो एल्बम में आए, जाके एनवेलप पकड़ा है ना, इतना बड़ा रिस्क लेके मुझे वो थ्रिल चाहिए यार, शादी का सीजन है, तूने भी बिन बुलाई शादियों में, मैंने बिन बुलाई शादी में खाना नहीं खाया है, मैं गया हूँ, मैंने फोटो खिंचवाया सबके, अरे नीचे जो रिलेटिव्स खिंचवा रहे थे ना उनके फोटो खींच के भी दिए, उनके साथ मिलके सेल्फी भी ली है मैंने, तो यार नहीं हो वैसा, अरे वो छोड़, एक बार तो एक आंटी अपने बच्चे को खेलने दे रही देके चली गई थी, तो मैं उसके साथ बलून बलून खेल रहा था
तेरे साथ ऐसे कांड क्यों होता है? ये कांड थोड़ी ना, ये तो अच्छी चीज है। जा रहे हैं प्लीज यार, हिरण नहीं अपने घर जा रहे, प्लीज नहीं। ये लाइन में तो आगे नहीं है, वही शादी में जाना। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं जाना चाह रही। भैया कोई बता नहीं, कॉलेज कोई भी सब्सक्राइबर। अरे कुछ और अच्छा है बोलेंगे, अरे हिरण भाई आप यहाँ पे। पूछेंगे आप किसकी तरह से, लड़के वालों की तरह से, लड़की की तरह से। अगर सब्सक्राइबर मिला तो उसको बोल सकते हैं भाई हम तो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा पता है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, देखो पता है। चल चलते हैं भाई, अब थोड़ा मूड में आ जा। मैं नहीं आ रही हूँ हिरण, ना कर मेरे को दिमाग मत चढ़ा। मैं नहीं आ रही हूँ, नो मैं नहीं आ रही, सॉरी मैं नहीं आ रही। मुझे अगर पहले भी पता होती ना तो मेरे दिमाग में क्या क्या बबल बना के रखे हुए थे। ये क्या बबल फूटने वाला है, वो होने वाला है। तेरे को पता था, तेरे बबल फूटने में मेरी मास्टरी है। मास्टरी है तेरे पास, मैं नहीं आ रही हूँ। हटेगी भी नहीं जब तक अपने घर पहुंचेंगे। No, तो गाड़ी में बैठे के मैं अकेला जाके हूँ। हाँ ठीक है जा, मैं गाड़ी में। कभी सफिर में तेरी कोई चीज में साथ नहीं होती, कोई कंटेंट में साथ नहीं होता। मेरा कोई कंटेंट नहीं होता है किसी का। तो तेरा कंटेंट और मेरा कंटेंट कुछ नहीं। मेरी इच्छा है यार, मस्त मस्त गरम ऐसे अलग अलग मिक्स वेज पनीर लबाबदार जो भी खाना होगा, नान रोटी जीरा राइस दाल। मैं घर पे ले। अरे यार शादी का खाना, मेरे को भी इच्छा होती है शादी। लोगों का मैं देखती हूँ रास्ते में, तो मुझे ऐसा होता है कि मेरे को क्यों नहीं बुला रहे। एक शादी नहीं है पूरी, ठीक है पूरी दुनिया जाती है कि अपने कर ले शादी जल्दी से। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की शादी में जाऊँ। मैं एक इनविटेशन नहीं है, मैं तो सोच रही थी अहमदाबाद वाले घर में भी आता तो भी अच्छा रहता ना। बड़ौदा के घर में इनविटेशन है, अहमदाबाद वाले घर में इनविटेशन है। नहीं अंकिता, ये डिस्कशन मंगर, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। अपने उसी शादी के मेहमान है, नहीं हो पाएगा हिरण, मेरे से बड़ा हो जाएगा। और हो जाता है दूल्हा दुल्हन के फ्रेंड्स है तो लड़का लड़की दोनों तरफ से हुआ। अपने कपड़ों से लग रहा है फ्रेंड्स, अपने एक भी कपड़ों के, वो लोगों के कपड़े थे कितने अच्छे दिख रहे हैं सबके सब। हाउस स्टेशन से सीधा हुए हैं। हिरण मैं नहीं आने वाली हूँ, सॉरी यार। तुम कॉन्फिडेंस 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 बारह तब भी आई है ना कर। एक आइडिया रुक जा, दुल्हन वालों के जो ग्रुप होगा ना वहाँ जाके चुपचाप खड़ी हो जाना, मैं भारत में नाश्ते नाश्ते साथ में आ रहा हूँ। हाँ तो अपने दोनों का सेटिंग है, तू लड़के वाला लड़की। अरे फ्रेंड से बोला ना दुल्हन का। नहीं कर रहा प्लीज, ऐसा मत चल, कर। चल, 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 नहीं चल, प्लीज 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 मत कर हिरण, मैं भारत में नाचने जा रहा हूँ। नहीं यार तेरे कपड़े ऐसे नहीं लग रहे हैं भारत वाले। वो लोग शेरवानी कुर्ता पहना ब्लेजर पहना है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जोर जोर से नहीं नाचूंगा तो अटेंशन नहीं, पकड़ा गया तो बेशर्मी हो जाएगी, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा न्यूज के अंदर। धीरे धीरे चलाने पड़ी है तेरी डिस्टेंस। अरे मुंह पे लाइट मार रहा है कौन है भाई, म्यूजिक वाला। मैं गाड़ी पक कर रहा हूँ, सुन। मैं नहीं उतरने वाली, सॉरी हिरण मना कर रही हूँ मैं तेरे को। एक बार पता नहीं चल रही है तेरे को, कब से हंस हंस के बोल रही हो तो समझ नहीं रहा है। जब तक मैं चिल्लाऊं नहीं, ककरट ना करूं, तुझे शांति नहीं मिलती है। नहीं 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 फिलहाल यहीं पे रखता हूँ, बाद में गाड़ी आगे। अंकिता मैं वहाँ जाके किसी को, मैं वहाँ जाके किसी भी रिलेटिव को बोल दूंगा कि वो बैठी है जल्दी आ नहीं रहे, उसको भी बुलाओ। मैं बोल दूंगा, पता मैं बेशर्म हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं करता, मेरे को ज्यादा है भारत में नाचना है। अरे भारत बहुत जगह मतलब नहीं नाचने का यार, प्लीज। वो फिल्मों में अच्छा लगता है, बिन बुलाए शादी में जाना, वो उस चीज के अंदर अच्छा लगता है। 200 मीटर दूर दिख रही है भारत अभी तो। नहीं हिरण मौत जा रही है। उन लोगों को गाड़ी कैसे दिखेगी इतनी दूर से अंकिता? पता चल जा रहा है दूर से भी तेरी गाड़ी। इतनी दूर से? हाँ कम से कम 100-200 मीटर दूर है वो लोग। हिरण नहीं जाना है प्लीज, समझ। पूरे ग्रुप बार खड़ा ग्रुप बार खड़ा है। हाँ सो जाए, मैं जा रहा हूँ। अरे यार मेरे को नाचना है, लोग गेट पे पहुंच जाएंगे, बंद हो जाएगा सब यार। तम्मा तम्मा डोले डोले जो भी हो वो, तू रुक ना यार, ना बोल रही हूँ। गाइस बस मैं बारात की तरफ जा रहा हूँ, ताकि उसका ऐसे कॉन्फिडेंस है, बहुत मजा आएगी। बहुत दूर है पर चलना पड़ेगा। मैं एक्चुअली ऐसे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उसको पता ना चले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लड़का दिमाग, मैं कोने में छुप गया हूँ, वापस चलता हूँ अभी। अभी देखना तगड़ा मजा आएगा। अरे जतिन भाई कौन चप्पल भाई।
अरे मेरे को नहीं मालूम, सुन 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 पहचान पे मेरे ऐसे हाए लोगों की पहचान कर ली, वो सामने तीन लोग खड़े सुन 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 मैं वो आंटियों को भेज दूंगा यहाँ पे को पता है इनको बुलाना चल चल अरे जल्दी उतर ना चल चल निकल निकल आसपास का तमाशा ना कर उन्होंने गाड़ी आगे ले लो चलो भैया चलो चलो गाड़ी पार्क करके जा रहे वो आंटियों को बोल रहे भेज रहा हूँ मैं जतिन भाइयों की बीवी भी है मेरे को नहीं मालूम जतिन भाई चुप है तू हम तो देख रहे रिएक्ट मत कर ऐसे अरे लाइट क्यों बंद कर रही है उन लोगों को चेहरा दिखाई दे रहा है क्यों कर रहा है वो खोलो क्या दे रहा हूँ गाइस शिट बीच में ना सारा मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गया अंकिता मान नहीं रही थी बट फाइनली हम मैंने ही कहे ना वहाँ पहचान निकाल ली तो हम लोग जा रहे हैं फटाफट वहाँ पे अंकिता को अंकिता मैं नहीं जा रही हूँ सॉरी नहीं जा रही तू जा वो जतिन भाई और उनकी वाइफ तेरा वेट कर रही तू जा तू जा इनको कैसे पता मैं पता भी नहीं जतिन भाई कौन है इसने वहाँ पे चला गया है वहाँ पे और वहाँ पे बोल रहा है कि कोई जतिन भाई है उनके साथ में मैंने सेटिंग कर ली है वो के साथ में कर रहा मैं इधर छुप गई तो भी नहीं समझ रहा गाइस ऐसे बिनबुलाए शादी में नहीं जाया था और मैं इसको मना कर रही हूँ कि वीडियो अच्छा, खुद गई हुई है तू नहीं बोला था मैं टेंथ के अंदर थी मुझे और पूजा को अच्छा खाना खाना था पता चली वो शादी के अंदर अच्छा काउंटर है इसका हम खाने चले नहीं जा रहे चल नहीं जा रहे ठीक है ठीक है ठीक है चल प्लान खत्म कर देता हूँ मेरा क्या करा तुम करते था पहले तो मेरा सीट बेल्ट पहनने दे आवाज करता रहा वरना कर देता हूँ एक मिनट प्रैंक तो ये तेरा प्रैंक था कि बिन बुले शादी में जाने का और तूने प्रैंक के लिए मुझे तैयार किया इतना क्यों तैयार होकर अपने बाहर जाके खाना भी खा सकते घूम सकते हैं वी गो ऑन अ डेट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गो विथ यू एनीवेयर वाह क्या इंग्लिश अच्छा अब मैं सच में ले जा रहा हूँ है ना बोला आई लव यू बहुत सारा बोल सब्सक्राइब करना शादी में जाने की इसका मतलब मैं थोड़ा किसी के चले जाऊँ नहीं जा सकता चलो।